के बारे में दे वर चेकिंग स्कैनिंग इफ वी आर ऑल्सो हैविंग द सिम्टम्स ऑफ COVID-19 इवन आई टेस्टेड Hey guys, what's up? I hope you all are doing absolutely fine. It's 19 March 2020 and I am here at Anand Vihar Railway Station in New Delhi. Actually, I am here to go back to my hometown, that is Indo-Bhutan border, Jaigaon. As COVID-19 is spreading very violently in India, so UP government has declared all institutions to be closed from 17 March till 2nd April. Till now it said that it's 2nd April, पर मुझे लगता है 15 April तक at least extend होने वाला है. So that is why I am going home. लेकिन इसके बारे में मैंने अपने parents को बिल्कुल भी नहीं बोला है. मेरी मम्मी बिल्कुल भी unknown है, मेरी family बिल्कुल भी unknown है. अभी उनको कुछ भी मैंने नहीं बताया. मैंने सोचा उनको एक सरप्राइज दूँ. वो काफ़ी बुला रहे थे घर में मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कुछ उनको नहीं बोला. मैंने उनको बोला कि टिकट नहीं हो पाएगा, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आई एम गोइंग टू गिव देम अ सरप्राइज. होप्स टू सरप्राइज. टिकट जो है काफ़ी मुश्किल से बुक हुई है. अभी सुबह के करीबन 5 बज रहे हैं और मेरा जो ट्रेन का डिपार्चर है वो 6:45 का है और करीबन 28 घंटे लगेंगे घर पहुँचने में. लेकिन इतना तो मुझे पता है कि ट्रेन यहाँ हमेशा लेट होने वाली है. 3 से 4 घंटे लेट होगी तो आई गेस 30 से 32 घंटे लग सकते हैं. फ़्लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, वरना मैं फ़्लाइट में ही जाने वाला था. इतनी जल्दी जल्दी में अगर फ़्लाइट करवाना हो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेन ही ज़्यादा सही रहेगा. सो अभी जाना है स्टेशन के अंदर. प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आएगा आई गेस नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस. अभी गेट के एंट्री के टाइम में जो स्कैनर लगा हुआ रहता है, एक्सरे स्कैनर, जिससे सामान वगैरह स्कैन होती है, वहाँ पे लोग ऐसे सामान फेंक रहे थे जैसे लग रहा था कि मतलब ट्रेन उनका छूटे जा रहा है, जबकि ट्रेन अभी 1.5 घंटा दूर है, मतलब 1.5 घंटा बाद है. फिर भी वो लोग ऐसे फेंके जा रहे थे, इतना फटाफट भाग रहे थे, मैं वो कैप्चर भी नहीं कर पाया. इतना ज़्यादा भीड़ था, इतनी लंबी लाइन थी जैसे आपने देखा ही होगा. सो मैं अपना कैमरा जो रखा माई फोन आई कैप इट इन माई पॉकेट, इसे निकालना सही नहीं रहता है वैसे भी. क्या पता है यहाँ पे काफ़ी तेज वगैरह भी रहते हैं, देखे ही भाग जाते हैं या फिर कोई मिसअप हो जाता है. इसलिए मैंने सोचा कि फोन को पॉकेट में रखूँ, वो रिकॉर्ड करके दिखा, कुछ फ़ायदा है आप लोगों को बता दूँगा, वही काफ़ी है. सो आई मीन द ट्रेन सीट भी मिल गई है, सामान वगैरह रख दिया है. अभी वॉशरूम में हूँ सब, बस आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे अभी लोग जो है वो लोग अपना बैग वैग लेके घुस रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इतने भीड़ में. ऊपर से लाइट वगैरह भी जली हुई नहीं, लाइटिंग अच्छी नहीं है वहाँ पे, काफ़ी हल्ला भी हो रहा था, इसलिए यहाँ पे आके सोचो आप लोगों से यहीं से बात कर लूँ. एक छोटे से बात करना चाहूँगा, इंडियन रेलवे में अभी जो है ब्लैंकेट्स प्रोवाइड नहीं करे, ब्लैंकेट्स और कर्टेंस बिकॉज ऑफ COVID-19, क्योंकि वो उन लोगों ने बोला क्योंकि वो लोग रेगुलरली वॉश नहीं कर पाते हैं. सो इसलिए लॉन्ग रूट का जब ट्रेन होता है इसकी वजह से, सो उन्होंने बोला कि ब्लैंकेट्स और कर्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे फॉर द वंस हु डोंट नो. सो मैंने अपना ब्लैंकेट खुद लेकर आया और वो लोग पिलो जो है प्रोवाइड करेंगे. सो पिलो और ब्लैंकेट तो ये मुझे चादर की ज़रूरत भी नहीं है. जस्ट होपिंग कि जर्नी जो है फटाफट कंप्लीट हो जाए, 28 घंटे कम नहीं होते, प्लस 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लेट होने के. सो जल्दी जल्दी बस ये कंप्लीट हो जाए. मैं जर्नी का जो ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने शूट किया था मेरे पास माइक नहीं है एज यू नो. सो काफ़ी लोगों को साउंड अच्छी नहीं आई, तो मेरे दोस्तों ने जब मुझे उन्होंने ये सजेस्ट किया मुझे कि साउंड क्वालिटी अच्छी रखो अपनी वीडियो की. सो मैं ट्रेन में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, देखता हूँ हो सके तो बीच में कुछ शूट कर पाऊँ तो शूट करूँगा, वरना मैं डायरेक्ट अब न्यू अलीपुरद्वार
पहुंच कर ही अपने स्टेशन, वहीं पहुंच के सीधा आप लोगों से बात करता हूँ। बाय बाय। नेक्स्ट डे 20th मार्च 2020, इट्स अराउंड 12 PM और अब मुझे अराउंड 1 आवर लगेगा घर पहुंचने में। कल काफ़ी ज़्यादा थक गया था और इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना COVID-19 के कारण, लोग इतना क्लोज थे सब सामने सामने, कुछ खाने में भी डर लग रहा था कि कहीं मैं भी इन्फेक्ट ना हो जाऊँ। घर जाते साथ सबसे पहले तो मैं अपने आप को बिल्कुल अच्छे से साफ कर रहा था। ट्रेन जो है 1 आवर लेट, 1 अराउंड 2 आवर्स लेट है, कोई बात नहीं, टेंशन ऑलमोस्ट पहुँचा रहेगी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, घर वालों को इतना सरप्राइज देने जा रहा हूँ, पता नहीं उन लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। अब मैं आप लोगों को स्टेशन में पहुँचने के बाद करता हूँ। बाय। सब जर्नी, क्योंकि 3 घंटा लेट था ट्रेन है, वैसे 28 घंटा का आज मेरा जर्नी, 3 घंटा लेट हो गया ट्रेन। आई फाइनली रीच माई स्टेशन। अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए, घर में रिएक्शन क्या होगा वो देखने के लिए। और हाँ, अभी आपने जैसे देखा होगा वीडियो में, स्टेशन के बाहर में दे वर चेकिंग स्कैनिंग इफ वी आर ऑल्सो हैविंग द सिम्टम्स ऑफ COVID-19, इवन आई टेस्टेड। ये वही लोग कर रहे थे जिनको चेक करवाना था अपना, वो लोग कह रहे थे जिनको कराना है करो, जिनको नहीं करवाना है वो नहीं कर सकते। मैंने करवा लिया, फिर भी ऐसे पहले भी मेरा चेक हो चुका है, इट वाज नेगेटिव, बट मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ उससे, इसलिए मैंने सोचा एक बार कर लेता हूँ चेक। चेक किया तो इट वाज नेगेटिव, थैंक गॉड। अभी फटाफट लेना है एक रिक्शा लेके पहले स्टेशन जाऊँगा, बस स्टैंड जाऊँगा, बस स्टैंड से फिर बस लेके अपने घर के लिए रवाना हो जाऊँगा। ऑटो लेना है, ऑटो लेके घर जाना है, फटाफट निकलना है यार, बहुत ही थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है कल तब जाओ घर पे, घर जाते साथ आराम करो, फ्रेश होकर अब आप लोगों को सीधा घर में जाके मिलता हूँ। और तुम घर के नीचे अभी जस्ट आया हूँ, मेरा भांजा जो है माय सिस्टर सन, वो बाहर में इस तरफ में, वो अचानक से मुझे नीचे देखा, वो काफ़ी शॉक हो गया था। अभी पता नहीं मुझे घर में जाने के बाद लोग क्या रिएक्ट करेंगे, मुझे काफ़ी हंसी आ रही है, एक्साइटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा। वेल, घर में तो आ गया घर में, लेकिन मम्मी है नहीं, मम्मी मेरे सिस्टर के घर में गई हुई है, तो मैं अभी जा रहा हूँ सिस्टर के घर में अपने भैया का बाइक लेके, हिमालयन। और ये यहाँ रितेश फ्लैश दिखाते हुए, इज नॉट इन गुड कंडीशन सो कि ब्लॉग में नहीं आना चाहता है। अभी मैं फटाफट मम्मी के पास जाता हूँ, मेरे मम्मी भैया सब सिस्टर के घर में, तो फटाफट वहाँ पहुँच के जो है देखता हूँ वो लोग कितने सरप्राइज होते हैं। कल जो है मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया, 20 तारीख को पहुंचा यहाँ पे मम्मी वगैरह को सरप्राइज देने के बाद, मैं एक दिन पूरा आराम ही करता रहा। आज 22 तारीख है, यहाँ पे कर्फ्यू है जैसे मोदी जी ने डिक्लेयर किया, सो इसके वजह से घर ही में बैठा रहा सुबह दिन, तो सोचा वीडियो आज एंड कर लेता हूँ। और 5 बजे अभी करीबन 5:30 बजे, तो 5 बजे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने वो घर में जो बर्तन बजाना था वो भी बजा, और वी क्लैप फ्रॉम आवर होम। सो बहुत अच्छा लगा देख के, लोग जो है बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे। सो अभी घर पे ही रहना है कुछ दिन, क्योंकि मैं बाहर से हूँ, सो इट्स टाइम टू एंड द वीडियो हेयर। और होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। I'll meet you in the next vlog. Till then, adios amigos, goodbye and take care.